हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल सीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास है जो कि स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर टोटल किया मैंने और यहां पर कैलकुलेट किया एवरेज। और ये देख सकते हैं एक चार्ट जैसा कुछ बना हुआ आपको दिख रहा है। ये कैसे हुआ आइए आपको बताता हूँ। पहले इस पर बॉर्डर बना लेता हूँ, ऑल बॉर्डर, ये बना लिया ऑल बॉर्डर। तो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे नंबर्स में गिरावट दर्ज की जा रही है, जैसे यहाँ पे 9 नंबर है तो ये यहाँ पर लाइन जो है एकदम नीचे है, ठीक है, और फिर एकदम से 69 हो गया तो ये लाइन एकदम से ऊपर हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे 11 हो गया तो ये लाइन इस 9 वाले से यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर है। तो ये हर एक में इसी तरह से होता हुआ चला गया है। अब ये देखिए यहाँ पर 39 मार्क्स है, तो ये देखिए ये ऊपर है लाइन, पर जैसे ही 39 से 3 हुआ तो एकदम से नीचे चली गई, और फिर 3 के बाद 4 हुआ तो 3 से थोड़ा सा ऊपर हुई है। तो ये मैंने कैसे किया आइए आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इस डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ये हमें ये डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगा रहेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ पर वो फॉर्मूला कर लेता हूं। इज इक्वल टू आपको लगाना है स्पार्क लाइन, क्या लगाना है स्पार्क लाइन। तो जैसे ही स्पार्क टाइप करेंगे स्पार्क लाइन आ जाएगा, और आपको केवल मार्क्स ले लेने हैं, ये मार्क्स केवल सेलेक्ट करने हैं, टोटल नहीं सेलेक्ट करना। अगर आप टोटल का देखना चाहते हैं तो टोटल यू कैन सेलेक्ट आल्सो, बट अभी हमें क्या करना है, केवल मार्क्स का डाउनफॉल या फिर इंक्रीजिंग ऑफ नंबर देखना है कि किस हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये चार्ट अपने आप बन जाएगा, और बस अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये स्पार्क लाइन बन चुका है कुछ इस तरीके से, ये चार्ट तैयार हो चुका है आपका। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे तैयार किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।